Hi everyone, students. Today in this video we will solve practice set 8.2. और हमने पहले वाले वीडियो में already properties of quadrilateral finish कर दिया है. जिसने properties याद किया है उसी को construction आएगा. That much you make it clear. जिसने properties याद नहीं किया है वो sum solve नहीं कर सकता. So please students, follow my advice, by heart the properties of all the quadrilaterals which I have already shown you in my previous video. Based on those properties, we can solve the construction part. क्योंकि construction में बहुत सारी चीजें नहीं दी होती है इस टाइप के क्वेश्चन में. और ये जैसे अभी रेक्टेंगल है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल. ए बी इज 6.0 एंड बी सी इज 4.5. तो जब तक आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी नहीं मालूम होगी आप नहीं कर सकते हो सॉल्व. इसलिए बेटा टीचर की बात को फॉलो करो और प्रॉपर्टीज याद करो तो ही आपको इजी जाएगा. तो अगर आपने प्रॉपर्टीज नहीं देखे होगे वो वाला वीडियो, तो पहले उस वीडियो को परफेक्ट करो और फिर आप इस वीडियो को देखना. इट्स दैट क्लियर? नाउ लेट अस बिगिन. फर्स्ट ऑलवेज I always advise you to draw a rough diagram. Rough diagram के बिना कोई construction नहीं होता है. Is that clear? Okay. So draw a rectangle ABCD. AB 6 and BC 4.5. तो बेटा rectangle है तो हमको पता है rectangle का figure कैसा होता है. चारों side same नहीं होती है, opposite sides are same. और हम exact measurement नहीं ले रहे because it is a rough diagram. तो हम पहले रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे. नेमिंग दो और क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग हमेशा कंटिन्यूस रखोगे. ऐसा ए बी सी डी ऐसा नहीं लोगे. ए बी सी डी दैट इज रॉन्ग. सो अच्छा, हमें पता है ये ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री. ये इस क्वेश्चन में नहीं है, ये प्रॉपर्टी है. इसलिए प्रॉपर्टी याद करना बहुत जरूरी है. ए बी इज 6.0 को वेरी सिस्टमैटिकली. BC is 4.5. Now students, we know opposite sides are equal. तो ये भी 4.5 होगा और ये 6.0 है तो ये भी 6.0 होगा. So this is your rough diagram. अभी diagonal कुछ mention नहीं किया है इसलिए हमने diagonal draw नहीं की है. अब हम इसे construct कैसे करेंगे, let us see. First we will take base. 6 centimeter, A B, go systematically. Then we will take protractor, keep it on A. बेटा पहले आप 90 degree लो. पहले आप 90 degree join कर. ये कोई आपका length नहीं है, बस ज्वाइन करो. सेम वे यहां पर भी 90 डिग्री लोगे. दिस इज योर 90 डिग्री. ओके, ये आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया. अभी हमने कुछ नहीं किया है, अभी ये ज्वाइन नहीं करना, गलत है, फिर रॉन्ग हो जाएगा. ये रॉन्ग, यहां पर हमने अभी तक मेजरमेंट नहीं लिया है. Now we will take 4.5 on this A side. See here. We will take 4.5 is here. Okay, keep it on A because according to the rough diagram, 4.5 yahan par hai and here also. सेम 4.5. ओके बेटा, अब ये जो आर्क का अपर साइड होता है ना, अपर साइड ये वाला, इसको ज्वाइन करोगे दोनों आर्क के अपर साइड को. और ज्वाइन करने से पहले हमेशा चेक करोगे. हो गया आपका रेक्टेंगल रेडी. दिस इज 4.5, दिस इज 6.0. ये सब फॉर्मेलिटी पूरी करोगे
अगर आप ये सब नहीं लिखोगे तो यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स. फिनिश, योर फर्स्ट फिगर इज रेडी. अभी आपने देखे होंगे राइट एंगल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ये दिया हुआ नहीं है, तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा? तो प्रॉपर्टीज से. इसलिए टीचर ने आपसे जो कहा है प्रॉपर्टीज बाय हार्ट करो. इज दैट क्लियर? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सम. सी द नेक्स्ट सम. ड्रॉ अ स्क्वायर डब्ल्यू एक्स वाई जेड विथ साइड 5.2 सेंटीमीटर. नाउ स्टूडेंट्स, हमको पता है स्क्वायर ऑल द, अभी यहाँ पे देखो आपको प्रॉपर्टी नहीं दिया हुआ है कुछ भी, अभी आपको खुद से लिखना है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज अ राइट एंगल. तो ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर मेंशन नहीं की है, इसलिए आपको प्रॉपर्टीज याद करना है. इज दैट क्लियर बेटा? तो ये हमारा रफ डायग्राम है. This is your square, 5.2 सेंटीमीटर, W X Y Z. टीचर देखो नेमिंग कभी भी क्वाड्रिलेटरल कहीं से भी स्टार्ट करो, इट शुड बी कंटिन्यूअस. ऐसा नहीं लिखोगे W X Y Z, रॉन्ग. हाथ को हिलाओगे उठाओगे नहीं, W X Y Z. अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हो W X Y Z, you will not lift your hand and change the direction. Now we know that all the sides are equal in square. 5.2, 5.2, 5.2. Each angle is a right angle. Okay. Now we will construct. First, we will draw the base 5.2. जो यहां पर है, दिस इज योर डब्ल्यू एक्स अकॉर्डिंग टू द रफ फिगर 5.2 सेंटीमीटर. ओके, नाउ अगेन सेम वे जैसे हमने रेक्टेंगल में ड्रॉ किए ना, वैसे ही राइट एंगल आप यहां ड्रॉ करोगे. आपके क्वेश्चन में तो राइट एंगल मेंशन नहीं है, जब आपको प्रॉपर्टी याद है तो ही आप उसको बता सकते हो कि ये राइट एंगल है. फर्स्ट वी विल जॉइन, एक काम पहले कंप्लीट करोगे एक साइड एंड देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट साइड. ओके, सेम राइट एंगल आप यहां पे भी करोगे. बी वेरी केयरफुल एंड वेरी एक्यूरेट. ओके, अब आप अकॉर्डिंग टू द रफ डायग्राम इट इज 5.2. ओके, आप कंपास पे 5.2 लोगे. कीप इट ऑन W, कट इट. Don't change the measurement because we know all the sides are same. Cut it and then you will upper part of the arc you will join. Draw करने से पहले हमेशा बेटा check करोगे. This is 90, 90. Complete all the formality because it carries marks. 5.2 centimeter. These all things are very important. And the scoring also. आपको full marks मिलते हैं. Okay, now we will move to the next sum. Now students see the third sum. Draw a rhombus K element. Side is 4 centimeter. K is 75 degree. बेटा अगर हम लोग rough diagram draw करें, we know. अच्छा यहाँ पे रोम्बस है तो प्रॉपर्टीज तो दी हुई नहीं है. यहाँ पे हमको खुद को याद करनी है. तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल. सो के एल
रोम्बस में 90 डिग्री एंगल नहीं होते हैं बेटा। रोम्बस के एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है अगर आपको याद है तो? याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो प्लीज गो थ्रू द वीडियो ऑफ माय प्रीवियस वीडियो। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहां पर आपके गिवन में के इज 75 डिग्री। एंड बी केयरफुल ना बेटा, 75 एक्यूट है तो आपका एक्यूट ही आना चाहिए। तो 75 तो अपोजिट एंगल मीन्स ये भी 75 डिग्री है। आप यहां पर लिखोगे कैलकुलेशन में, आप लिखोगे बेटा, आपको शो करना है एंगल के इज इक्वल टू एंगल एम इज इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, आप यहां पे लिखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट की साइन है। अब एन और एल कैसे मिलेगा? तो अगर हमने एन फाइंड आउट किए, हम दोनों इनको एक्स और एक्स लेंगे बिकॉज बोथ आर इक्वल। दो मेथड से टीचर ने आपको ओके फाइन, आपको दो मेथड से ये आ सकता है। एक तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे या इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो आपको इसका आंसर आएगा 180 माइनस 75 105। और अगर सम ऑफ द मेजर से करेंगे तो एक्स प्लस एक्स प्लस 75 प्लस 75 इज 360। 2x प्लस 150 इज 360। 150 को वो साइड लेके जाओ, 2x इज 360 माइनस 150, तो इट विल बी 210। 210, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 2, 105। देखो हमको ये 105 मिला, डोंट यूज पेन इन द डायग्राम, 105, ये भी हमको 105, अपोजिट एंगल्स आर सेम। एक ये मेथड है बेटा और एक मेथड है एक्स प्लस, ये फर्स्ट मेथड है। आपको अगर ये मेथड करना है तो ये करो। सेकेंड मेथड है एक्स प्लस 75, सी एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 75 इज 105 डिग्री। तो बेटा आपको अगर ये मेथड करना है, याद है तो ये करो, अगर ये मेथड करना है तो ये करो। हमको 105 डिग्री मिल गया। अब ये है हाउ मच, 4 सेंटीमीटर। वी नो ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब हम इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? सो फर्स्ट वी विल टेक द बेस 4 सेंटीमीटर के एल। नाउ बेटा वी विल टेक प्रोट्रैक्टर एंड हाउ मच, 75 यहां पर आएगा। पहले से ज्वाइन करो के और इस पॉइंट को ज्वाइन करो बेटा, फिर हम एल पे रखेंगे और 105। अब 105 इज ऑब्ट्यूस तो वो बाहर की तरफ आएगा। 105 इज हियर। ऑलवेज बी केयरफुल ना बेटा, 90 के अबाव रहेगा तो ऑब्ट्यूज होता है और वो हमेशा बाहर की तरफ आता है। ये हो गया हमें। अभी हमको लेना है अकॉर्डिंग टू रफ डायग्राम के एन। सी के एन इज हाउ मच बच्चा, के एन इज 4 सेंटीमीटर बिकॉज इन रोम्बस ऑल द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। Now we will take 4 और कहां रखोगे बेटा, K पे रखोगे, 4 कट करोगे आर्क, L पे रखोगे,
फिर आप कट करो। और ये जो अपर पार्ट है जहां इंटरसेक्ट हुआ है वो आप ज्वाइन करो। नेमिंग दो KLMN 75 degree 105 degree 105 75 and these are 4 centimeter all sides are same। ओके बेटा समझे किस तरह रोम्बस ड्रॉ करना है। अब टीचर को अगर प्रॉपर्टी नहीं मालूम होती तो टीचर ड्रॉ कर पाते नहीं कर पाते। तो अगर आपको भी प्रॉपर्टी नहीं याद है तो आपको भी नहीं आएगा। तो सबसे मेन चीज है आपको सभी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सम इज कैलकुलेशन। सॉल्व करना है हमें। इफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 26 वन साइड इज 24 एंड फाइंड द अदर साइड। बेटा आप अभी स्लोली स्लोली हायर क्लास में जा रहे हो तो एक बार टीचर की याद रखना, जब भी ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन आता है तो एक रफ डायग्राम ड्रॉ करोगे। रफ डायग्राम से आपको एक आइडिया मिलती है कि एग्जैक्टली क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो ये रेक्टेंगल है ना, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लेना, बस एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो और उसको अपनी तरफ से नेमिंग दे दो। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन क्या दिया हुआ है, डायगोनल। चलो हमने डायगोनल ड्रॉ किया, कितना है 26 सेंटीमीटर, वन साइड इज 24 यानी कोई एक साइड 24 है। यू हैव टू फाइंड ए बी अदर साइड। अब रेक्टेंगल है इसका मतलब ईच एंगल इज राइट एंगल। ओके समझा आपको, ईच एंगल इज अ राइट एंगल। तो अभी ये फिगर देखकर, ये जो ट्राइंगल है ए बी सी बेटा, इसे देखकर आपको क्या क्लिक होता है, कौन सी टाइप ऑफ ट्राइंगल है ये। सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। देखो अभी हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ट्राइंगल पहले आप लिखोगे इन रेक्टेंगल, बी वेरी सिस्टमैटिक, ए बी सी डी, एंगल बी इज 90 degree, आपको बताना है ये 90 है। देयरफॉर ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम एसी स्क्वायर दैट इज हाइपो स्क्वायर। अभी आप हायर क्लास में जाओगे तो हम जो लोअर क्लास में बोलते हैं ना, हाइपो स्क्वायर इज साइड वन स्क्वायर साइड टू स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, उसकी जगह अभी आपको नेमिंग लिखनी है। सो हाइपो इज एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अभी इसकी एक हैबिट बना लो, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, 26 स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ओके 26 स्क्वायर, अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है तो 26 इंटू 26 करो, 6 6 are 36 6 2 are 12 156 2 6 are 12 2 2 are 4 5 6 7 6। तो 676 माइनस 24 स्क्वायर को वहां लेके जाओ, 24 का स्क्वायर है 576, 100। बेटा अभी यहां पे स्क्वायर है, अब हमको स्क्वायर हटाना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स ए बी इक्वल टू 10। सो वी गॉट, लास्ट में सेंटेंस लिखोगे, एक हैबिट बनाओ, देयर फॉर द लेंथ, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो ही लिखोगे, लेंथ ऑफ द अदर साइड इज 10 सेंटीमीटर।
This is the way you have to solve very systematically. Okay? Now let us move to the next sum. So what is the next sum? Length of a diagonal of a rhombus. Immediately aap pehle rhombus draw karo. First we will draw rhombus. Rough diagram. कभी भी रफ डायग्राम ड्रॉ करोगे बहुत अच्छा होता है. हैबिट बना लो एक. हमारा पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज नॉट गिवन. इमीडिएटली हम लोग जॉट डाउन करते हैं. सो ए बी सी डी डायगनल्स. डायगनल्स ए सी. अगर हमने ए सी को लिया 16 सेंटीमीटर और बी डी इज द अदर डायगनल जो है 12 सेंटीमीटर सॉरी इंटरसेक्टिंग एट ओ. अब बेटा यहां पे तो कोई चीज दी हुई नहीं है, यानी आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए रिलेटेड टू द डायगनल्स ऑफ रोम्बस. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? दैट द डायगनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. डायगनल था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो सॉल्यूशन में आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे यहां पे द डायगनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ रोम्बस ए बी सी डी आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये शॉर्ट में नहीं लिखोगे आप ऑफ ईच अदर. इसका मतलब AO इज हाफ ऑफ AC. हाउ मच? हाफ ऑफ 16, 8 सेंटीमीटर. यानी यहां पर 8 आएगा AO. एंड OD इज हाफ ऑफ BD. हाफ ऑफ 12, 6 सेंटीमीटर. यानी यहां पर 6 आएगा. ओके अब आप बेटा आप क्या लिखोगे यहां पे? इन अभी ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करो. ए ओ डी ट्राइंगल ए ओ डी. ये देखो ये 90 डिग्री है. इसका मतलब ये राइट एंगल है. इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तो जैसे राइट एंगल आता है इमीडिएटली कौन सा थ्योरम क्लिक होता है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहां पर हाइपोटेन्यूज कौन सी है जो साइड 90 डिग्री को अपोजिट होती है? सो एडी स्क्वायर इज एओ स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. एओ हमको 8 मिला. 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 प्लस 36 100. देयरफॉर एडी इज 10. चलो साइड ऑफ द रोम्बस हमको कितना मिला बेटा? 10. एंड वी नो ऑल साइड्स आर इक्वल. साइड ऑफ द रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर. यही क्वेश्चन में पूछा है. And what is the meaning of perimeter? Perimeter means sum of all the sides. Perimeter मतलब क्या होता है बेटा? ये जितनी साइड है उन सबको प्लस करो. और अगर साइड सेम है तो 4 into साइड भी लिख सकते हो आप. इज इक्वल टू 4 into 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर होता है और एरिया का यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके बेटा नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगनल ऑफ अ स्क्वायर. डायगनल डायगनल पूछा विथ साइड 8 सेंटीमीटर. ना बेटा आपको इसमें टीचर दो मेथड बताएंगे. दो मेथड आपको जो मेथड इजी लगे आप वो कर. पहले तो हम रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे स्क्वायर का.
दोनों के लिए सेम रफ डायग्राम रहेगा, स्क्वायर ड्रॉ करो. वी नो स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर सेम कॉन्ग्रुएंट, तो स्क्वायर फिगर ड्रॉ करेंगे हम. वी नो एंगल्स आर 90 डिग्री, इसको नेमिंग आप अपनी तरफ से दो. ओके अभी 8 सेंटीमीटर, 8 8 8, दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट डायगनल एसी. अब एसी फाइंड आउट करना है, तो जैसे हमने रेक्टेंगल में सॉल्व किया था ना बेटा, इन रेक्टेंगल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इन स्क्वायर ए बी सी डी, एंगल बी इज 90 डिग्री, आपको बताना है बी 90 डिग्री है. देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, जहां जहां टीचर शॉर्ट लिखते हैं आप शॉर्ट में नहीं लिखोगे. यहां पर हाइपोटेन्यूज कौन सा है, 90 डिग्री के सामने की साइड, ए सी. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 64 प्लस 64 इज इक्वल टू 128. टेकिंग स्क्वायर रूट, नाउ दिस इज ए सी स्क्वायर बेटा, ये ए सी स्क्वायर है. अभी अगर हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो ए सी हमको क्या मिलेगा, 8 रूट 2 सेंटीमीटर. अब आप लास्ट में लिखोगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ द डायगनल, जो क्वेश्चन पूछा गया उसी को रिपीट करो, ऑफ अ स्क्वायर इज 8 रूट 2 सेंटीमीटर. ओके बेटा, अब सेकेंड मेथड जो फॉर्मूला मेथड है, अगर आपको फॉर्मूला याद होता है तो करो, अदरवाइज यू कैन फॉलो दिस मेथड. तो आपको मैं फॉर्मूला बताती हूँ, ये फॉर्मूला आपको आपकी बुक में लिखना है अगर आपको याद करना है तो. डायगनल ऑफ अ स्क्वायर, ये सिर्फ स्क्वायर के लिए मैं आपको बता रही हूँ, डायगनल ऑफ अ स्क्वायर इज रूट टू इंटू साइड, ये फॉर्मूला है, रूट टू इंटू साइड. तो हमको मालूम है साइड कितनी है, 8 है, गिवन है आंसर इज 8 रूट 2. फिनिश. तो दिस इज ओनली फॉर स्क्वायर, नॉट फॉर रेक्टेंगल, नॉट फॉर रोम्बस, सिर्फ स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला है. तो सेम क्वेश्चन आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, विच एवर मेथड यू फील इट्स ओके फॉर यू, यू कैन फॉलो, इट्स अप टू यू. ओके, नाउ वी विल मूव टू द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज. Measure of one angle of a rhombus is 50 degree. Find the measure of remaining angle. बेटा मैंने आपको पहले भी इस ऐसा वाला सम, एंगल्स वाला सम बताया है. इमीडिएटली रोम्बस ड्रॉ करो, एक रफ डायग्राम. हमेशा एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते, यू नो ज्योमेट्री लाइक जैसे खाने में नमक के बिना मजा नहीं ना, वैसे ज्योमेट्री में फिगर के बिना इट्स नॉट इफेक्ट. ओके, दिस इज रफ डायग्राम, सो दिस इज 50 डिग्री, एक एंगल 50 डिग्री है. सो फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल, मतलब हमको कौन सा फाइंड आउट करना है बेटा. एंगल बी इज 50 डिग्री बेटा, अच्छा एंगल बी इज
50 degree. You have to find out angle A, angle C and angle D. अच्छा रॉम्बस है, रॉम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ रॉम्बस आर कॉन्ग्रुएंट. अब फिगर में अपोजिट एंगल कौन सा है पहले वो देखेंगे हम लोग. एंगल बी और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी. देयरफॉर एंगल डी का मेजरमेंट हमको 50 डिग्री मिल गया. ओके सो दिस इज 50 डिग्री. अब ये वो ये जो मेथड है ये दो मेथड से आता है. एक तो सप्लीमेंट्री मेथड है और एक तो चारों एंगल को प्लस करके 360 डिग्री. तो अगर हमने इसको एक्स और एक्स लिए वी नो दैट एंगल यहां पे और एक लिखोगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू ए. ओके सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज 360 डिग्री. आप इसका रीजन लिखोगे सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हमेशा 360 होता है. सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू ए की जगह x, b की जगह 50, x प्लस 50 इज 360, 2x प्लस 100 इज 360, 100 को ये साइड शिफ्ट करो, 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 100, 2x इज इक्वल टू 260, x इज इक्वल टू 130. Therefore, angle A is equal to angle C is equal to 130 degree. Up second method, angle A plus angle B is 180 degree. Iska reason kya likhoge beta? Adjacent angles are supplementary. Substitute karo value. A इज x या फिर आप A को A ही रखो सॉरी एंगल A प्लस 50 इज 180 देयरफॉर एंगल A इज 180 माइनस 50 130 डिग्री देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 130 डिग्री. चलो हमको चारों एंगल का मेजरमेंट मिल गया. And sum is solved. Hope so students that you have understood. And beta you will see the whole video. It is very 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 useful to you. And before that you will watch my that previous video of properties of quadrilateral. Beta you please follow your teacher. Otherwise you will suffer a lot in higher classes. Okay. Thank you. Bye. Take care.